और जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि 2025 में विधानसभा चुनाव है और एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन में चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो चाहे कांग्रेस का, उनके पास कोई नेता नहीं है। अगर तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता बनते हैं तो 2025 की लड़ाई आसान हो जाएगी, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिराग पासवान जातीय जनगणना का डिमांड कर रहे हैं, डिमांड करना कोई गलत बात नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना करवाया और आर्थिक सर्वेक्षण करवाया, इन सब से पता चल गया है कि गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं। जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन लोगों के लिए सरकार नई योजनाएं लाएगी। बंद करो। 25 का जो चुनाव है, आम चुनाव विधानसभा का, एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और इनके सामने जो होगा, अभी कोई तस्वीर नहीं है महागठबंधन में। चाहे लालू जी का गठबंधन, कांग्रेस का गठबंधन है, माले का गठबंधन है, नीतीश कुमार के चेहरा के सामने उनके पास कोई चेहरा नहीं है, नेता नहीं है। यदि तेजस्वी यादव आगे रहते हैं तो मैं समझता हूँ मेरी लड़ाई आसान हो जाएगी, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान जाति गणना की लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में ना, डिमांड करने के लिए तो सबका अधिकार है। मांग करना कोई बुरी चीज नहीं है, जाति गणना भी कोई बुरी चीज नहीं है। हम लोगों ने बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना कराए और जातीय गणना के बाद उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण भी कराए। आर्थिक सर्वेक्षण से पता चल गया कि कितने आदमी गरीबी रेखा के नीचे है, जिनकी आमदनी मात्र 6,000 है, साल में 72,000 है। तो उसके लिए सरकार ने योजना चलाई ना, प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपए हम दे रहे हैं। तो ऐसी योजना में यदि देश में इसी तरह की योजना चले, कौन राज? राक्षस राज सर, जिस तरह से। अच्छा एक बात हम आपको बतावे, तेजस्वी जी अपने माँ के और पिताजी के राज को देखे हैं? हम उस वक्त भी एमएलए थे 90 में भी, और 15 साल उनके हुकूमत में एमएलए थे। क्या होता था बिहार में? बिहार की पहचान क्या थी? जनसंहारों का बिहार, अपहरण उद्योग का बिहार, लूटपाट की बिहार, भ्रष्टाचार की बिहार। तेजस्वी जी जो